खबर गाजियाबाद से है, जहां बीती रात कारोबारी रमन शरीर के यहां पर हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी मुनिराज ने बताया कि 7 अक्टूबर को थाना सिहानी के नेहरू नगर इलाके में कारोबारी रमन के घर पर 4 बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जहां से चोरों ने रमन के घर से 7 लाख रूपये नकदी और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 4 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई। पुलिस आरोपियों के पास से लूटे गए तकरीबन 2.5 लाख रुपए चांदी, सोने के जेवरात और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। जनपद गाजियाबाद में 7 तारीख में सियानी के थाना क्षेत्र में 2 से 3 बजे के बीच में एक डकैती पड़ी थी। उस घटना का खुलासा करने के लिए मैंने ज्वाइंट टीम गठित किया था, एसपी क्राइम और एसपी सिटी फर्स्ट और स्वाट टीम और एसपी सिटी के क्राइम टीम का माध्यम से मैं टीम गठित करी। इस घटना का लगातार हम प्रयास कर रहा था और हम लोग का कल रात मुखबिर का सूचना मिला है, एक जनपद में एक सक्रिय डकैती गिरोह ये भ्रमण में आ रहा है, इस तरह की सूचना मिला है। अब उसी के आधार पर हम लगातार चेकिंग बदल बदल के पिछले 2-3 दिन से लगातार हम कर रहा था।